नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, कैसे आना हुआ? डॉक्टर, मैं एक परेशानी को लेके काफ़ी चिंतित हूँ। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, दरअसल कुछ दिनों से मेरा वीर्या बहुत पतला सा हो गया है। डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मैरिड लाइफ में आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, शायद मैं पिता भी ना बन पाऊँ। देखिए, अब जो मैं आपको कहने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से आप सुनिए। जी डॉक्टर। अच्छा, आपकी एज क्या होगी? यही कोई 24-25। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी में अभी कितना टाइम है? यही कोई 6 महीने बाद। 6 महीने। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप कभी फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हैं? जी। ओके। अच्छा, आपने कभी हस्तमैथुन किया है? अगर हम दिन में 5 से 6 बार हस्तमैथुन करते हैं, एक बार डिस्चार्ज हुए, दोबारा डिस्चार्ज हुए, तीसरी बार भी डिस्चार्ज हुए, तो फिर से वीर्य तैयार होने के लिए 20 से 25 मिनट का समय हमें चाहिए होता है, तब जाके 70L वीर्य तैयार होता है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप दिन में 5 से 6 बार हस्तमैथुन करेंगे तो बार बार हस्तमैथुन करने से वीर्य आपका पतला ही होता जाएगा। जब एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से आप सेक्स करेंगे तो वीर्य एक बार गाढ़ा आएगा, दोबारा जब आप सेक्स करेंगे तो वो पतला ही होता जाएगा। और आप ये कंफर्म कैसे कर लिया कि आप बाप नहीं बन पाएंगे फ्यूचर में? वीर्य पतला हो या गाढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बाप बन पाएंगे। देखिए, आपके वीर्य की एक बूंद ही आपको पिता बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराकर ये क्लियर कर लीजिए कि आप बाप बन पाएंगे या नहीं। वैसे आप पिता बन जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब तक आप डॉक्टर से चेकअप कराकर ये क्लियर नहीं कर लेते कि आपकी रिपोर्ट सही है या नहीं, आप बाप बन पाएंगे या नहीं, ये डिसाइड आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो। अगर आप बार बार सेक्स कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके शरीर में दिन पर दिन वीकनेस आएगी। और आप अगर सेक्स कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो सेक्स करने के बाद आपको कुछ गैप देना चाहिए, यानी एक बार सेक्स करने के बाद में तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय आप दीजिए, तभी आप दोबारा सेक्स करने के लिए तैयार हो पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप हस्तमैथुन करते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, तो उस दौरान आप थोड़ा सा टाइमिंग का गैप बनाकर रखें। ये तो एक किस्म का पेन है, अगर हम लिखते जाएंगे, बार बार लिखेंगे तो इंक तो ख़त्म होगी ही, या फिर लास्ट में क्या होगा कि रुक रुक कर चलेगा। देखिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप में गैप तो आएगा ही। आप एक बार लैब में जाकर चेकअप करा लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेडिसिन ले लें। और हाँ, अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपने शरीर में प्रोटीन की कमी ना आने दें, इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच।